सोनालिका ट्रैक्टर्स के सबसे बड़े शोरूम की सौगात जिले के सम्मानी किसानों को दी जा रही है। निवेदक पूनम बीरेन पटेल, साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रेरूप सागर। जिले की सायगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम नरवानी में गुरुवार की सुबह एक युवक की आधा दर्जन लोगों ने लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। पुलिस और परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक खेत में चारा काटने के लिए गया हुआ था, तभी उस पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसको लेकर परिजनों ने हत्या का आरोप गांव के ही पटेल समाज के लगभग आधा दर्जन लोगों पर लगाया है। आपके चाचा को? आप हमारे चाचा इधर चारों काट रहे थे तो यहाँ से आए घेर के घूम के, जो सब 8-10 जनों ने घूम लिया, घेर लिया, फिर यहाँ से वो भागा तो मैं ही पहुँचे हैं। हमारा नाम है नत्थू और हमारे भज्जा घर से निकलो है 8 बजे और उसके बाद में जो निकले परमू, उमरा और आशा, कमल, हरपाल और लच्छी और बल्लू, इन और ने हमारे चारों काट अपने और ने धोखा करो मारो है जान से। कहाँ से मारा? कुलारी लाठी से, कुलारियाँ घली हैं, आप देखो ने खून निकलो उसमें। वही घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। ये एक मृतक है भज्जू पाल, जिसके संबंध में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि उसकी हत्या कर दी गई है। इस पर हमने घटनास्थल पर आकर के जब चेक किया है तो जिसका जो भाई है बारेलाल, उसने बताया है कि यहीं नरवा के गांव के रहने वाले 8 लोगों ने इसकी पुरानी रंजिश पर लेकर के धारा तैयार कुल्हाड़ी से हत्या। सुबह सुबह हुई इस हत्या से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, जहां अब देखना होगा कि इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस कब तलक सलाखों के पीछे डालती है। आप देख रहे हैं अथर्व न्यूज़। खबर देखकर कर दे सोचने पर मजबूर।